खबर सीतापुर से बताएंगे। सीतापुर में एसपी पहुंचे गुरुकुल छात्र की बेरहमी से पिटाई के मामले में गंभीरता से की जांच। बच्चों के दर्ज किए बयान, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में भी लिया। आई देखते हैं ये खास रिपोर्ट संवाददाता सुनील आनंद के साथ। तो जो जिन्होंने मारा पीटा बच्चे को, क्या हुआ, क्या बात थी, किस बात पे? भागते थे, भागे होते, यहाँ से भागे आते थे घर अपने, ऐसे लेके भागते थे रात में 3 बजे 2 बजे ऐसे भागते थे। अच्छा, 3 बार भाग चुके थे, चौथी बार फिर पकड़े। अच्छा, तो उनके बताया गया था, तो अभी हैं चले? वो तो कब के चले? तो उसी दिन जुलाई में ही चले गए, जुलाई जब का हादसा है तभी चले गए, तभी चले गए। तो तुम लोगों के और किसी का तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे जो गुरुजी हैं वो मारते पीटते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभार हो जाती है ना, हम लोग छोटे थे तब तो पलटी से मारते। अब माँ बाप नहीं डांटते हैं किसी के? नहीं, डांट फटकार तो चलती है, तो ऐसे को और किसी को मारपीट तो नहीं होती ज्यादा? यहाँ खाना ये बनाती हैं, सही मिल रहा है खाना? अच्छा, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग बताओ? संस्कृत में। ऐसे कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में बताओ जो हमारे वाले में दर्ज हो? यहाँ तो संस्कृत पढ़ते हो, उधर की क्लास तो बताओ, उसका बताओ, उधर का सारा बताओ। पाँच में हो, और यहाँ क्या सीखते हैं फिर अलग से? तो जैसे अभी अभी क्या सीखे, अभी इतनी छोटी ये बच्चे क्या सीखे? कौन से मंत्र सुनाओ, सुनाओ बताओ छोटे बच्चों। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक बच्चे को बुरे तरीके से पीटा जा रहा है। इस वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच किया गया। जांच में यह पूरा मामला छाजन स्थित जो सिदौली थाना क्षेत्र में एक संस्कृत किशोरी बालिका विद्यालय है वहाँ का है। यह वीडियो 2 माह पुराना है। इसमें जिस व्यक्ति द्वारा बच्चे को पीटा जा रहा है इस प्रकरण को संज्ञान लेकर विद्यालय के प्रबंधक को तलब कर उनके तरफ से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक की जा रही है और जो आचार्य है जिसके द्वारा घटना किया गया है सतीश जोशी, उसे भी पुलिस ने कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।